सीड ग्रो प्लस प्लस ही क्यों, सीड ग्रो प्लस प्लस हंटिन ऑर्गेनिक्स का ही क्यों मुझे इस्तेमाल करना है, ये बात आपको आज समझनी बहुत जरूरी है। ये पहला प्रोडक्ट है दुनिया का जिसमें 4 साल की शेल्फ लाइफ क्लेम की थी कंपनी ने जब बनी थी, प्रोडक्ट को ईजाद किया था 2008 में। ये 25 साल की रिसर्च के बाद प्रोडक्ट लॉन्च किया था और ये प्रोडक्ट को 4 साल की शेल्फ लाइफ पहली बार दुनिया में किसी प्रोडक्ट को बोला गया था बैक्टीरिया में। इसमें 12 बैक्टीरिया 12 फंगस का कॉम्बिनेशन है, ये भी पहली बार किसी ने बनाया। ये सब 12 बैक्टीरिया लगभग 18 या उससे भी बहुत ज़्यादा अलग अलग पोषक तत्व, तो जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मोलिब्डेनम, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने के लिए जितने भी बैक्टीरिया अवेलेबल कराते हैं वो सबका कॉम्बिनेशन है। ये नैनो फॉर्म टेक्नोलॉजी से स्पोर फॉर्म टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बनाया है। स्पोर फॉर्म का मतलब रहता है कि ये जो मदर कल्चर की फॉर्म रहती है और सुस्त अवस्था में आपको फंगस और बैक्टीरिया, जिससे कि एक बॉटल के अंदर 10^14 लेवल तक का CFU काउंट मिलता है। 4 साल की शेल्फ लाइफ, 14 पावर का CFU काउंट, 4 साल की शेल्फ लाइफ के साथ, और वो भी हाई क्वालिटी स्ट्रेन्स। इसमें वो स्ट्रेन्स है जिसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली हाई क्वालिटी का एजाइटोबैक्टर और एजोस्पिलम है इसमें, फास्फोरस सप्लाई करने वाला या फास्फोरस मोबिलाइज करने वाला और सोल्युबलाइज करने वाला बेसिलस मेगाथेरियम है इसमें, सूडोमोनास स्ट्रेटा है इसमें, पोटाशियम सप्लाई करने वाला मोबिलाइज करने वाला फ्रोशेरिया ऑरेंजिया इसमें स्ट्रेन है, माइक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने वाला एंडोमाइकोराइजा स्ट्रेन है, जो ना केवल रूट्स का विस्तार करता है, वो पानी के कम होने पे भी पौधे को स्ट्रेस से बचाता है, ज़्यादा पानी होता है तब भी उसको स्ट्रेस से बचाता है, और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे कि ग्रोथ अगले लेवल पे जाती है। सिलिकॉन सोल्युबलाइजिंग करने वाला इसमें सूडोमोनास पुटीडा की वैरायटी है, कैल्शियम और जिंक देने वाला इसमें बेसिलस पॉलीमिक्सा की एक स्ट्रेन है, मैग्नीशियम सप्लाई करने वाला बेसिलस इच्छेफॉर्मिस की एक स्ट्रेन है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करने वाला थायोबेसिलस की एक स्ट्रेन है। इसके अलावा क्योंकि पौधे को जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलता रहता है वैसे वैसे उसको और विकास होता रहता है, और कई बार विकास के समय पे काफ़ी सारे फंगस और बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसके लिए इसमें बैसिलस सबटिलिस जो कि एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है, पीजीआर का काम करता है, हार्मोन रिलीज करता है, दूसरा सूडोमोनास फ्लोरोसेंस सेम वो भी एक एंटीबायोटिक का काम करता है, बहुत सारे फंगस के लिए, मर रोग के लिए वो बहुत इफेक्टिव है। ये भी एक ही साथ डाला। ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए थी, किसान को हर कंपनी आज तक क्या बताती आई है, शुरू में आपको नाइट्रोजन डालना है, बाद में फास्फोरस डालना है, उसके बाद पोटाश डालना है, फिर आपको जिंक डालना है, इसके अलावा आपको अलग से खरीदना है, ये अलग से खरीदना है वो, और ये नहीं पता कि पूरे पौधे को हर समय 365 दिन 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड उसको सारे न्यूट्रिशन की हर समय ज़रूरत होती है, नहीं तो अगला स्टेप नहीं हो पाता है। अगर जर्मिनेशन स्टेज पर फास्फोरस कम है तो अच्छी जर्मिनेशन नहीं होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगर बाकी न्यूट्रिएंट कोई कम है तो अगली स्टेज आती ही नहीं है कंप्लीट। इसी कारण से जो हमारी प्रोडक्शन आ रही है वो उतनी नहीं है जितनी आनी चाहिए। सीड ग्रो प्लस प्लस बाकी सब बायो फर्टिलाइजर सब बाकी सब मार्केट में प्रोडक्ट से अलग इसीलिए है, कंपनी की सिर्फ एक ही अप्रोच थी, सिंपल बनाओ, सही बनाओ, सस्ता बनाओ। सस्ता क्यों है? क्योंकि 12 बैक्टीरिया की स्ट्रेन 18 अलग अलग न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, स्पोर फॉर्म टेक्नोलॉजी में है, नैनो पॉलीमर से बनाया गया है, 4 साल की शेल्फ लाइफ है, हर तरह के मौसम में 55 डिग्री की हीट में भी काम करता है। आप इसको किसी भी तरह से ड्रिप से इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लड इरीगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी ने कभी भी अलग से प्रोडक्ट बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि एक ही साथ डालने का ही फायदा पूरा मिलने वाला है। आप इसको लगातार इस्तेमाल करें और इसका पूरा फायदा लें। अभी तक हजारों किसान आपकी तरह इसका पूरा फायदा ले रहे हैं, आप भी पूरा फायदा लें, क्योंकि हंटिन है तो हर दिन दिवाली है।